गर्मियां आ गई हैं और ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने का मन करता ही रहता है, चाहे वो शिकंजी हो, सोडा शिकंजी हो, पुदीना शिकंजी हो, कैसी भी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैरायटीज ऑफ शिकंजी लेकर आई हूँ, ताकि आप डेली नए नए तरीके की शिकंजी पी सकें और बहुत उनका मज़ा गर्मी में ले सकें। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी वैरायटीज ऑफ शिकंजी, 5 टाइप की शिकंजी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की शिकंजी के लिए हमने एक ग्लास लिया है, इसमें हमने लिया है ये पिसा हुआ पुदीना। पुदीने को हमने नॉर्मली पीस लिया है हल्का सा पानी डाल के, और इसे हम एक ग्लास में डाल देते हैं। थोड़ा हमने दरदरा पीसते हैं पुदीने को, इससे ये अच्छा लगता है खाने, मतलब पीने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने चाशनी, जिसे शुगर सिरप भी कहते हैं, वो लिया है। इसमें हमने एक बाउल शुगर में हाफ बाउल पानी, मतलब कि चाशनी का, मतलब जितनी भी आप शुगर लें, जितनी भी आप चीनी लें, शक्कर लें, उसका आधा हमें पानी लेना होता है, उससे हमने ये चाशनी बनाई है। और ये हमने 2 स्पून चाशनी डाली थी, 2 स्पून नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते थोड़ा सा काला नमक, काला नमक के बाद हम इसमें ऐड कर देते थोड़ा सा सादा नमक, फिर हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा हम जीरा पाउडर इसमें डाल देते हैं, और लास्ट में हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल के इन सभी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। पुदीना है तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा देता है। अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देते हैं, थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ठंडा पानी डाल देते हैं, और ये ठंडा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको ठंडा पीने का मन हो उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। ये एक ग्लास के लिए हमारी ये बिल्कुल पुदीना जो है शिकंजी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, इसमें ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे हम डेकोरेट करने के लिए एक दो पत्ती पुदीने की और एक नींबू लगा देते हैं, इससे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। दूसरी टाइप की शिकंजी के लिए हम एक और ग्लास लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं वही चाशनी, जैसे हमने पहली शिकंजी के लिए चाशनी तैयार की थी इसी तरीके से हमने इसके लिए भी तैयार की है। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, ये नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया, 2 स्पून चाशनी तो 2 स्पून नींबू का रस ऐड करते हैं। और अब हम लेते हैं इसमें बेकिंग सोडा, 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। जैसे कि ज़रूर नहीं है सोडा वाटर हमारे घर में हमेशा अवेलेबल हो, लेकिन बेकिंग सोडा हमारे घर में हमेशा रहता है, तो इसलिए हम आज इसकी शिकंजी बनाएंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, और इन सभी चीज़ों को एक के बाद इसमें हम डालते हैं आइस क्यूब्स, और फिर हम इसमें डाल देते हैं पानी, और पानी के बाद हमारी ये बिल्कुल शिकंजी जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, बिना सोडा वाटर के सोडा शिकंजी, और नींबू से डेकोरेट करते हुए इसे सर्व करते हैं। अब हम थर्ड टाइप की शिकंजी बनाएंगे, उसके लिए हमने दोबारा से एक ग्लास लिया है और वही चाशनी हम इसमें ऐड करते हैं, 2 स्पून चाशनी ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही इसके लिए भी बनानी होती है। फिर हम नींबू का रस डालते हैं, और उसके बाद हमने ये काला नमक डाला थोड़ा सा, फिर हमने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, उसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा नमक, फिर हमने इसमें डाला थोड़ा सा चाट मसाला, और इन्हें एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इस शिकंजी का मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है हमारा सोडा वाटर। ये हमने एकदम चील्ड ठंडा सोडा वाटर लिया है, इसलिए हम इसमें आइस क्यूब्स नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो आप आइस क्यूब्स और सोडा वाटर दोनों डाल सकते हैं। और इस सोडे वाटर को इसमें डाल देते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये शिकंजी बन के आ रही है। अभी हम इसे ऊपर तक फिल कर देते हैं, और इस तरीके से हमारी सोडा वाटर सोडा शिकंजी बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है। एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसे नींबू से डेकोरेट करते हुए इसे हम करेंगे सर्व। ये हमारी सोडा वाटर शिकंजी जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। उसके बाद इसमें अगर आप थोड़ा सा और फ्लेवर देना चाहते हैं, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है पिसा हुआ पुदीना, इससे हमारी इसका फ्लेवर और ज़्यादा अलग हो जाता है। अगर आपको पुदीना पसंद है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और सबसे बड़ी बात गर्मियों में पुदीना फ़ायदा भी करता है, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद हम इसे पुदीना और नींबू से डेकोरेट कर देते हैं, और इसे अब हम सर्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की शिकंजी बनाएंगे, उसके लिए हमने फिर से एक गिलास लिया है,
और इसमें हम क्या कहते हैं, तो वही शिकंजी मतलब जो चाशनी हमने शुगर सिरप बनाया है वो ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी ज़्यादा चाशनी ऐड करते हैं, तो 3 से 4 स्पून लगभग चाशनी ऐड कर देते हैं और 2 स्पून नींबू का रस ऐड करते हैं। ये हमारी सबसे सिंपल और नॉर्मल शिकंजी बनकर तैयार होती है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, फिर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा काला नमक, और एट लास्ट हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर। और जीरा पाउडर के बाद एक बार इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स डालने के बाद इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसमें हम क्या कहते हैं, पानी को ऐड कर देते हैं, और इस टाइप से हमारी ये नेक्स्ट शिकंजी जो है 4th टाइप की शिकंजी बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर हम करेंगे इसे सर्व। इसे भी हम नींबू से थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं और अब हम इसे करेंगे सर्व। अब हम एक और टाइप की शिकंजी बनाएंगे, हमारी जो फाइनल शिकंजी है 5th टाइप की शिकंजी, उसके लिए भी हमने एक ग्लास लिया है। अब हम इसमें सिर्फ डालेंगे नींबू का रस, 2 स्पून नींबू का रस डालते हैं हम इसमें, हमें इसमें चाशनी डालनी नहीं होती है। हल्का सा नमक डालते हैं, ये हमारी नींबू पानी शिकंजी है। थोड़ा सा काला नमक डालते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करती है, आप डेली सुबह से पीजिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। थोड़ा सा चाट मसाला इसमें हम डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम थोड़े से इसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं, और आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालते हैं पानी, और इस टाइप से हमारी ये 5th और लास्ट टाइप की शिकंजी यानी कि नींबू पानी शिकंजी भी बनके तैयार हो गई है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा नींबू से डेकोरेट करते हुए इसे भी हम करेंगे सर्व। तो ये भी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इस टाइप से हमने अपनी 5 टाइप की शिकंजी जो है बिल्कुल बना के तैयार कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये 5 ड्रिंक्स पसंद आई होगी। पुदीने की आप ज़रूर पीजिएगा, गर्मियों में बहुत फ़ायदा करती है, और बाकी जब भी आपका कुछ ठंडा पीने का मन करे तो बना सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और क्या आप इसी टाइप की और भी ड्रिंक्स देखना पसंद करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। बाय बाय।